देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, ये कहता है द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी स्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज, इन्होंने कहा है आपको एक स्क्वायर दे रखा है, सही, इसकी साइड दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक सर्कल इंस्क्राइब्ड करना है, सही। अब आप कहोगे जी सर्कल तो हम छोटा भी इंस्क्राइब कर सकते हैं, सर्कल इंस्क्राइब करने का मतलब होता है सर्कल चारों साइड जो है टच करनी चाहिए स्क्वायर की, सही है। और सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ बनाना, बाहर की तरफ बनाने का मतलब जो मर्जी बना दो, बाहर की तरफ इस तरीके से बनाते हैं ताकि वो चारों वर्टिसेस को टच करे, इंस्क्राइब कर रहे हो तो चारों साइड्स को टच करेगा, और अगर आप सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहे हो तो सारे वर्टिसेस को टच करेगा, सही। अच्छा अब वो कहते हैं आपने सर्कल को इंस्क्राइब किया स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर की साइड दे रखी 10 सेंटीमीटर, तो इस सर्कल का एरिया बताओ क्या होगा, सही। तो इसमें रिलेशन बताओ क्या होता है बच्चों, कोई रिलेशन होता है ना इनके बीच में। यहाँ से देखो इसका जो डायमीटर होगा सर्कल का वो साइड के बराबर होगा ना, आती है समझ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, ए, डायमीटर कितना है 2r, तो ए दे रखा है 10, तो इससे r कितना आ गया 5। अब निकाल लो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, पाई ये कितना दे रखा है, पाई की वैल्यू तो नहीं दी है ना, देखना आंसर शायद पाई की फॉर्म में ही है, हाँ तो पाई की वैल्यू मत रखो, तो 25 पाई। अच्छा कुछ बताए सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सही, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ये इसका डी पार्ट है। करें बच्चों अभी, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में इन्होंने क्या कहा है, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया। देखिए इसमें आपको एक सर्कल दे रखा है, उसके सर्कमफ्रेंस और रेडियस के बीच का जो डिफरेंस है वो 37 दे रखा है, तो आपसे उन्होंने पूछा क्या है, इसका एरिया पूछा है, क्या पूछा है, एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्म होता है, पाई आर स्क्वायर, सही। तो अब देखो यहाँ पे r कॉमन ले लो आप लोग, पाई कितना होता है 22/7 ना, तो यहाँ 44/7 माइनस 1, यहाँ पर एलसीएम ले लो, 1 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 7, तो 37 से 37 कट जाएगा, तो r कितना आ गया 7। अब निकाल लो इसका एरिया, तो आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है, ये कहता है द एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एच सराउंडिंग अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज। देखिए इन्होंने कहा आपको एक सर्कल दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है स्मॉल आर। अब इसके अराउंड हम क्या करते हैं एच यूनिट विड्थ की, सही, एक सर्कुलर पाथ बना देते हैं। उस सर्कुलर पाथ का जो है हमें एरिया जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, क्लियर है भाई। हमने क्या किया, एक आपको एक सर्कुलर पाथ दे रखा है, इसके अराउंड हमें पाथ बनाना है जिस पाथ पे लोग चलेंगे, सही, उस पाथ का एरिया निकालना है। अब इस पाथ की कुछ ना कुछ विड्थ होगी, वो एच यूनिट है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये मोटाई कितनी है, ये एच यूनिट है ये ऑल अराउंड। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है, ये रिंग का एरिया निकालना है। इस रिंग का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो निकाल लोगे इस रिंग का एरिया, तो कैसे निकालेंगे भाई बताओ लक्षित, क्या सर इस रिंग का एरिया कैसे निकालोगे। हाँ देखो यहाँ पर हमें निकालना है एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग का क्या फॉर्मूला होता है, बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, सही। जो बड़ा सर्कल है इसकी रेडियस तो कैपिटल आर है, और जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस स्मॉल आर है, ये तो होगी। बड़े सर्कल की रेडियस मैंने बड़ा आर मान ली, छोटे वाले की स्मॉल आर। अब देखो बड़े आर की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल आर प्लस एच होगी ना, ये तो आती है बात समझ भाई। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आर, यहाँ से यहाँ तक की विड्थ एच, तो बड़ा आर कितना हो गया आर प्लस एच ना, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ पाई कॉमन ले लेता हूँ। अब बड़े आर की वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहां से एच कॉमन ले लो तो अंदर आएगा एच प्लस टू आर, क्लियर है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो सर अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में मैंने कहा है इफ ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ लेंथ 5√3 सेंटीमीटर
ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी इज। देखिए इन्होंने कहा है आपको एक सर्कल दे रखा है, यहाँ पर मैंने कोण बना ली ए बी, इसकी लेंथ आपको दे रखी है 5√3 और इस सर्कल का सेंटर है ओ और रेडियस यहाँ पे कितनी दे रखी है इन्होंने 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, सेक्टर का एरिया निकालना है इस वाले का, सही। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। अब हमें थीटा नहीं पता ना, थीटा निकालने की कोशिश करो, आर को हमें दे रखा है 5, थीटा नहीं दे रखा। थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ से ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किसके ऊपर, ए के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 5√3 है, तो इस पॉइंट को अगर मैं डी मानता हूँ तो ए डी जो लेंथ है वो कितनी होगी, उसकी आधी होगी ना। रीजन, अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं किसी भी कोण के ऊपर तो उसको क्या करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अच्छा अब देखो हमें ये वाला एंगल निकालना है, इसे मैं मान लेता हूँ फाई, याद है समझ, फाई लिखा है मैंने इसको, चलो इसको वन मान लेता हूँ, एंगल वन, हमें एंगल वन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री, अगर मैं इसे एंगल मान रहा हूँ तो उसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन में, किस में आता है, साइन में। तो अब देखो यहाँ पे साइन ऑफ एंगल वन किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ एंगल वन, ए डी कितना दे रखा है 5√3/2 और ओ ए कितना दे रखा है 5। अब ये पलट कर ऊपर जाएगा, ये कितना आ गया √3/2, तो साइन ऑफ एंगल वन कितना है √3/2, बताओ √3/2 कब आता है 60 पर, तो एंगल वन कितना आ गया 60 डिग्री, ये 60 है तो ये भी 60 होगा ना, तो इसलिए थीटा कितना आ गया 120 डिग्री। कर लोगे बच्चों ये, तो दोबारा समझ लो, देखो ये बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है, आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी दे रखी है 5√3। अच्छा चलो इसे थोड़ी देर छोड़ दो क्वेश्चन को, ये रेडियस 5 है, ये रेडियस 5 है और अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड भी 5 दी होती तो उस केस में ये एंगल कितने का होता, 60 का होता, क्यों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता। तो बड़े आराम से कर लेते हैं आप क्वेश्चन को और यही क्वेश्चन आपको आएगा एक नंबर में, ये क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। उन्होंने क्या कहा है, आपको एक सर्कल दे रखा है, उसकी रेडियस दे रखी है 5 और लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो दे रखी है 5√3। अब आपको इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ये पूरे का, तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाई 360 टू पाई आर स्क्वायर, आर आपको पता है 5, थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं कॉर्ड के ऊपर, पूरा ये 5√3 है तो आधा क्या होगा 5√3/2, क्यों, सेंटर से जब भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं ना किसी कोण को कोण पर तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो इसलिए ए डी कितना आ गया 5√3/2। अब देखो हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो एंगल वन के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री की अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो होती है उसे क्या बोलते हैं, साइन। तो साइन एंगल वन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इनकी वैल्यू होती है, सॉल्व करके कितना आ रहा है √3/2, तो √3/2 साइन में कब आता है 60 पे, इसलिए एंगल वन कितना आ गया 60 डिग्री, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये पूरा 120 आ गया, यहाँ रख लिया, सही है,